सरकार 75 साल के अमृत उत्सव मनाने जा रही है। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता लाना होगा। यहाँ तो आप एक आदमी को नहीं मार रहे, उसके पूरे परिवार को मार रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन एक स्तर का होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सबों से कि एक से दो, दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए। भागलपुर आने का उद्देश्य है कि अपने लोगों से मिलना, पहला उद्देश्य तो है। और भागलपुर हम बेगूसराय होते हुए आए, तो बेगूसराय में हम वेलफेयर हॉस्टल में गए और अपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों से बातचीत किया और उनको हमने मोटिवेट किया, करियर मोटिवेशन, और फिर हमने उसको हाउ टू डेवलप द पर्सनालिटी वो सब बातें की, उनको इनकरेज किया कि गरीब गरीब कोई रीजन नहीं होता है, कोई कॉज नहीं होता। और वहाँ से आने के बाद भागलपुर में हमारा आने का देश एक तो लोगों से मिलना था, दूसरी बात यह है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। हम इन लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप लोग संविधान दिवस पाइए। और इस संविधान दिवस मनाने का एक स्पेशल पर्पस है, पर्पस ये उद्देश्य ये है कि हम लोग का एक तरफ सरकार 75 साल के अमृत उत्सव मनाने जा रही है और 75 साल हो गए बाबा साहब जब संविधान को दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि 1950 को राजनीतिक समानता आ जाएगी, लेकिन आर्थिक समानता और सामाजिक समानता लाना होगा। और उसी आर्थिक समानता और सामाजिक समानता आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया, न तो शेड्यूल कास्ट को मिला, न शेड्यूल ट्राइब को, न ओबीसी को, न माइनॉरिटीज को। तो सामाजिक समानता और खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो बिल्कुल नहीं मिला। और आर्थिक समानता तो आप ये जो हमने बहुजन को कहा है, ये किसी बहुजन को नहीं मिल पाया। तो ये सब बातों को कि क्यों नहीं हुआ, आखिर में क्या रीजन है? और मैंने जो रीजन पाया है एक्चुअली बिहार में, खास करके यूपी में, बिहार में, इसका सरकार की जो नीति है और हमारे बच्चों के एजुकेशन है वो सबसे बड़ा जड़ है। हमारे बच्चों का एजुकेशन एक समान नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन एक स्तर का होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, सरकारी जितने भी हमारे उद्योग हैं उसको राष्ट्रीयकरण ही रहना चाहिए। जबकि इसका पूंजी आज की सरकार है वो कर रही है, निजीकरण कर रही है, गरीबी अमीरी की खाइयां बढ़ गई। अब आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं, इसका मतलब कि आपने 80 करोड़ों को भिकमंगा बना दिया। खाना नहीं देना होता है, भिकमंगा बना देना होता है। आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप उन लोग कमाने लायक नहीं है, खुद अपने ऊपर आश्रित होने लायक नहीं है जो सरकार को देना पड़े? क्या कमी है आपकी पॉलिसी में? पॉलिसी को चेंज करिए। और मैंने पाया कि बिहार में खास करके हमारी जो प्राथमिक विद्या है क्लास 1 से 8 तक जो स्कूल के मास्टर हैं, और माध्यमिक विद्यालय में कि स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो पब्लिक स्कूल से काफी खराब है। और हमारे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, शुरू का शुरू टाइम 99%, और अति पिछड़े के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, ये सब जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं क्लास 8 के बाद 50% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। और उसका रीजन है कि उनकी मानसिक उनकी रीजन है कि उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, क्योंकि टीचर अच्छे नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत सारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल स्कूलों में गया, जो आवासीय स्कूल बिहार सरकार ने बनाया, उन स्कूलों में 17 टीचर होना चाहिए और आप पाएंगे कि वहाँ पर 5 या 4 टीचर, और एक स्कूल में नहीं, सारे स्कूल की स्थिति ये है। तो इसका मतलब कि वो हमारा पूरे परिवार को, हमें नहीं बर्बाद कर रहा, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है।
तो यही सब सरकार की नीति जो है, इसी सब को हम विश्लेषण करना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में कि हम इसको कैसे उभार सके। क्योंकि मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी पैक्ट हुआ 1932 में पूना पैक्ट, वो भी हमारे लोगों को सदस्य जरूर बन गए, संसद सदस्य बन गए, विधानसभा सदस्य बन गए, लेकिन वो पार्टी के गुलाम होकर रहे उसके कारण, और अपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए वो नहीं कुछ कर पाते। देखिए, स्वास्थ्य भी खराब है बिहार का और एजुकेशन भी खराब है, बिल्कुल खराब है, नगण्य है। अब आप देखिए ना कि मैं हाजीपुर गया, वैशाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखने गया, वहां पर आप ये सोचें कि वैशाली में सिर्फ 100 बेड्स हॉस्पिटल है, एक भी ऑपरेशन थिएटर ढंग का नहीं है, है ही नहीं। सिर्फ वहां पर अगर है तो लेबर रूम्स है, ना तो सर्जरी होती है, ना ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, ना आई सर्जरी होती है, और ना पीडियाट्रिक्स का, पीडियाट्रिक्स एक छोटा सा वार्ड है, एक जो अच्छा ही वहां पर एक अच्छा चीज मैंने देखा, सिर्फ एनसी जो न्यूनेटल चाइल्ड केयर का जो इंटेंसिव केयर जो भारत सरकार से बनी, इसके अलावा उस हॉस्पिटल में कुछ ही नहीं है। भागलपुर के लिए फ्यूचर प्लान क्या है सर? भागलपुर के लिए फ्यूचर प्लान तो भागलपुर में मेडिकल कॉलेज बना, भागलपुर में मैं चाहूंगा कि खास करके हमारे जो अभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी संघ हैं, ये बच्चों को जाकर के बीच बीच में वेलफेयर हॉस्टल में जाकर के बच्चों को प्रोत्साहन दें, बच्चों को इनकरेज करें, और मैं तो ये कहूंगा कि हर आदमी अपने गांव में एक एक गाँव एडॉप्ट करें और वहां के महिलाओं को पढ़ाएं। और एक बात और मैं ये कहना चाहता हूं सबों से कि एक से दो, दो से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, क्योंकि माँ बाप लोग आपने नहीं कर पाते। अरे बहुत बच्चों के एजुकेशन पर, बच्चों का देखभाल पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी संघ के लोग ऑफिसर्स आए हैं, उनसे कहूंगा कि आप अपने गांव में एक गांव एडॉप्ट करिए, और जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा माइनॉरिटी इन लोग जो नहीं पढ़े हैं, इनको पढ़ाने के लिए इनकरेज करिए। और मैं तो यही कहूंगा, अभी मैंने वेलफेयर हॉस्टल में ही कहा बच्चों को कि देखो बच्चे, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं, तुम पढ़ लिख गए हो, उनको कम से कम अक्षर ज्ञान कर दो कि वो किताबें पढ़ सके, ये बहुत जरूरी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक रिपोर्ट है नीति आयोग का कि 40% हमारी महिलाएं स्कूल जाती ही नहीं है, और उतनी ही महिलाएं का शादी जो है 17 साल की उम्र में हो जाता है, 17 साल 18 साल के नीचे उम्र में हो जाता है। तो आप सोचिए कि 40% महिलाएं तो ऐसे ही नहीं पढ़ी, उसके अलावा 50% पढ़ाइयाँ छोड़ दी 8th क्लास में, उसका नेक्स्ट 50% 12th क्लास में। तो अशिक्षित इतना है कि अशिक्षित ये गरीबी का कारण भी है। तो सरकार की नीति ये सबको बदलना पड़ेगा। सरकार से मेरा एक डिमांड है कि जो शिक्षा शिक्षक की क्वालिटी जो है, जो पब्लिक स्कूल में है या कोई या नवोदय विद्यालय में है या केंद्रीय विद्यालय में है, वही हमारे गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए, उससे हम कम में सहमत नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर एक डॉक्टर है, आपका सर्जन होना चाहिए, अब एक डॉक्टर सर्जन नहीं है, उसे आप सर्जरी कराएंगे तो मर जाएगा। यहाँ तो आप एक आदमी को नहीं मार रहे, उसके पूरे परिवार को मार रहे हैं। अगर एक बच्चा पढ़ जाता है तो उसका परिवार पूरा ठीक हो जाता है। तो इस तरह से सरकार को हम आपके द्वारा आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार शिक्षक की क्वालिटी उसी तरह का लाए जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय में है, नवोदय विद्यालय में। और अगर कोई शिक्षा उस स्तर का नहीं है, या तो उसकी ट्रेनिंग दिया जाए, अगर वो सक्षम नहीं हो पाता, उसको कोई और नौकरी दे दिया जाए, उसे शिक्षक के रूप में नहीं रखा जाए, ताकि बच्चों की जिंदगी को बर्बाद ना कर सके, यही हम आपसे कहना। ठीक, थैंक यू सर।